नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा मक्कर। जब देश अनलॉक हुआ तो लोगों के आस्था के केंद्र मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों के दरवाजे भी बंद होने लगे। लेकिन अब दौर बदल रहा है, देश अनलॉक हो रहा है और अब धर्म स्थलों के भी अनलॉक होने का वक्त आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि आप मंदिर में जाकर पूजा पाठ करें या मस्जिद में नमाज अता करने जाएं, ये जानना बेहद जरूरी है कि अब धर्म स्थलों में जाने के नए नियम यानी धर्म स्थलों का न्यू नॉर्मल क्या होगा। तो भक्ति काल शुरू हो उससे पहले हम आज आपको देश के हर धर्म स्थल से ये रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि क्या है भक्ति काल की नई गाइडलाइंस। भक्तों से भरे रहने वाले भगवान के दरबार भी लॉकडाउन में बंद रहे, लेकिन भक्तों की आस्था के केंद्र यानी मंदिरों और भक्तों के बीच से लॉकडाउन की ये दीवार है। देश खुल रहा है, इसी के साथ मंदिरों को खोलने की भी तैयारी कर ली गई है। जम्मू के कटरा में मौजूद माता वैष्णो देवी के दरबार से लेकर दिल्ली के कालका जी और झंडे वाला मंदिर के साथ साथ जयपुर, यूपी, बिहार, जहां जहां भी मंदिर खुलेंगे अब नए नियमों के साथ खुलेंगे। आज हम आपको देश के कोने कोने से मंदिरों की नई गाइडलाइन की जानकारी देंगे। अनलॉक टू के दूसरे चरण में देश भर के सभी धार्मिक स्थलों के खोलने की MHA की गाइडलाइन से जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी श्राइन के लोगों में भी एक उम्मीद जागी है। उन लोगों का कहना है कि कटरा धार्मिक स्थल का जो है व्यापार, यहाँ की यात्रा जो है पिछले 2.5 महीने से बंद पड़ी है, और अगर ये यात्रा 8 तारीख से खुल जाती है तो फिर से माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु आना शुरू हो जाएंगे और उससे ये स्थल जो है ये काफ़ी दिनों से जो वीरान पड़ा है वहाँ पे रौनक लौट आएगी। कोरोना काल के बीच इस भक्ति काल में कैसा होगा आपकी भक्ति का अनुभव, मैं पीयूषा शर्मा आज आपको दिल्ली के झंडे वाला माता मंदिर से ये बताने वाली हूँ कि जब अनलॉक में मंदिर खुलेंगे तो भगवान के दर्शन में, पूजा पाठ में क्या बड़े बदलाव आएंगे। देखिए मेरे साथ कोरोना काल के भक्ति काल में। मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों को भी खोलने की तैयारी हो रही है, लेकिन अब यहाँ भी इबादत के नियम थोड़े से बदल जाएंगे। नमाज के लिए लोग मस्जिदों में पहुँचेंगे, लेकिन सामाजिक दूरी को कायम रखते हुए खुदा की इबादत की जाएगी। मैं रूफी जैदी दिल्ली की जामा मस्जिद से आपको दिखाऊंगी कि जब इस इबादत गाह का दरवाजा दोबारा लोगों के लिए खुलेगा तो कैसे बदल चुकी होगी तस्वीर। मस्जिद प्रशासन ने क्या की है तैयारियां और कैसे रखा जाएगा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। सिख धर्म के अनुयायियों ने भी लॉकडाउन के दौरान घर पर ही अरदास की, लेकिन अब गुरुद्वारों को भी खोलने की तैयारी की जा रही है। अब गुरुद्वारे भी थोड़े बदले बदले नजर आएंगे। यहाँ भी सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। मैं पूजा मक्कड़ बताऊंगी आपको दिल्ली के गुरुद्वारों में जाने का, अरदास करने का और माथा टेकने का क्या होगा न्यू नॉर्मल नियम। देश भर में ईसाई धर्म के लोगों की आस्था के केंद्र गिरजाघर भी खोले जा रहे हैं। कितना बदल जाएगा गिरजाघरों में प्रेयर का तरीका, चर्च जाने से पहले आपको रखना होगा किन बातों का ख्याल, ये हम आपको बताएंगे। दिल्ली की सेक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च से मैं पीयूषा शर्मा आज आपको बताऊंगी कि जब कोरोना काल में चर्चें खुलेंगी तो उस वक्त प्रार्थना में क्या बड़े बदलाव आएंगे, क्या आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा या भगवान के दर्शन पहले की तरह ही रहेंगे या चर्च में भी बड़े बदलाव कोरोना के चलते देखने को मिलेंगे। कोरोना काल में भक्ति काल से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां हम आपको देने जा रहे हैं, जिन्हें अपने अपने धर्म स्थलों में जाने से पहले आपका जानना बेहद जरूरी है। तो लगातार बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो भक्ति काल के इस स्पेशल एडिशन में सबसे पहले बात करते हैं मंदिरों की। अनलॉक करने के दूसरे दौर में धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, हालांकि आखिरी फैसला राज्य सरकारों और मंदिर प्रशासन पर भी छोड़ा गया है, लेकिन केंद्र की गाइडलाइंस आने के बाद से मंदिरों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इस रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे कि माता वैष्णो देवी के दरबार से लेकर दिल्ली, जयपुर और तमाम शहरों में किस तरह की तैयारियां हैं और जब आप अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जिनका पालन करना होगा। सामाजिक दूरी अपनाकर अब भगवान और भक्तों के बीच की दूरी खत्म करने की तैयारी की जा रही है। भगवान के भक्त लगभग 2 महीने तक मंदिरों से दूर रहे, लेकिन अब ये दूरी खत्म होने वाली है। अब नए नियमों के साथ मंदिरों को खोला जाएगा और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। अनलॉक टू के दूसरे चरण में देश भर के सभी धार्मिक स्थलों के खोलने की MHA की गाइडलाइन से जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी श्राइन के लोगों में भी एक उम्मीद जागी है। उन लोगों का कहना है कि कटरा धार्मिक स्थल का जो है व्यापार, यहाँ की यात्रा जो है पिछले 2.5 महीने से बंद पड़ी है,
और अगर ये यात्रा 8 तारीख से खुल जाती है तो फिर से माता वैष्णो देवी में श्रद्धालु आना शुरू हो जाएंगे और उससे ये स्थल जो है ये काफी दिनों से जो वीरान पड़ा है वहां पे रौनक लौट आएगी। माता वैष्णो देवी के दरबार में भी अब फिर से भक्तों की रौनक दिखाई देगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा शुरू करने के लिए एक SOP बनाकर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेज दी है। इसके अलावा वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू करने के लिए श्राइन बोर्ड तैयारियां कर रहा है। माता के मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच सामाजिक दूरी कायम रहे उसके लिए गोल घेरे बना दिए गए। माता वैष्णो देवी का दरबार खुलने का इंतजार कटरा के निवासी भी कर रहे हैं क्योंकि माता के दरबार में भक्तों के आने से उनकी रोजी रोटी भी शुरू हो पाएगी। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के कपाट अभी बंद हैं, लेकिन बहुत जल्द माता के दरबार में भक्तों की भीड़ लगेगी। मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में हैं और यहाँ पर क्या सब तैयारी होंगी जब दोबारा से खुलेंगे मंदिर, उसको लेकर के ये हम आपको आज दिखा देते हैं। मंदिर परिसर में आने से पहले जो सब सैनिटाइजेशन की जो सारी प्रोसेस होती है वो यहाँ पर की जा रही है। सभी दरवाजे, रेलिंग, जिन जगहों पर पूरे परिसर के कोने कोने में जो सैनिटाइजेशन है वो करी गई है। साथ में अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर के जो कपाट हैं वो बंद हैं। मंदिर में जो अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। मंदिर में सामाजिक दूरी का पालन हो इसलिए भीड़ इकट्ठी नहीं की जाएगी। इसके अलावा प्रसाद की थाली पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। हाँ, भक्तों की सुविधा के लिए आरती का प्रसारण YouTube पर करने की तैयारी है। देखिए, ये तो सरकार जिस प्रकार की स्थिति चल रही है उसमें पहले वाले स्थिति तो बिल्कुल नहीं हो सकती। एक तो मंदिर में आने जाने वालों की संख्या बहुत कम रहेगी। अभी हमें नहीं पता सरकार की क्या दिशा निर्देश आने वाले हैं, उसका हम पालन करेंगे, लेकिन ये स्वाभाविक है कि इतने लोगों की मंदिर में प्रवेश नहीं रहेगा। और प्रसाद वगैरह की भी हमें विचार करना पड़ेगा कि बाहर से प्रसाद की थाली वगैरह जो लाते हैं लोग या प्रसाद चढ़ाने आते हैं उसको भी हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सोनपुर के प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर में फिलहाल सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए बाहर से ही पूजा करवाई जा रही है। भक्तों को ऑनलाइन पूजा पाठ भी करवाया जा रहा है, लेकिन 8 जून से मंदिर को खोलने का ऐलान किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पे देखिए डिमार्क किया जा रहा है और अगर 8 तारीख से सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मंदिर में प्रवेश जो है उसकी इजाजत होगी। लिहाजा मंदिर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पे मार्क जो है वो बनाया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, गोला बनाए जा रहे हैं और आगे भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे गोला जो है वो बनाया गया है। तो भक्त यानी यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करेंगे हरिहरनाथ मंदिर में, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अंदर व्यवस्था है और इसका सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही साथ अंदर देखिए किस तरीके से भक्त जो है उनकी स्थिति होगी और हरिहरनाथ मंदिर में तमाम सारे जो श्रद्धालु आते हैं चूंकि यहाँ पे भीड़ उमड़ती है लेकिन हर वो गाइडलाइन का पालन जो है वो किया जाएगा। भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में भी मंदिरों को खोलने की तैयारी की जा रही है। 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की बात कही गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में श्रद्धालुओं को इस बात की शंका है कहीं 8 जून के बाद भी मंदिर बंद न रहे, जिसको देखते हुए श्रद्धालुओं ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के मंदिर में तहरीर लिखकर अर्जी लगाई है कि 8 जून से सभी मंदिर खोले जाएं। गुलाबी नगरी जयपुर में भी मंदिरों को खोलने की तैयारी की जा रही है। 8 जून से यहां मंदिरों को खोल दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त मास्क पहनकर भगवान का दर्शन कर सकेंगे। यहां मंदिरों के महंतों और सेवादारों ने मंदिरों को खोलने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर भी 25 मार्च से लोगों के दर्शनों के लिए बंद था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी मंदिरों को खोलने की तैयारी की जा रही है, हालांकि लोगों ने अभी यहां मंदिरों से दूरी बनाकर रखी है। वहीं राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि मंदिर में एक वक्त में 10 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। हमने आपको देश भर के मंदिरों की तैयारी दिखाई, किस तरह नई गाइडलाइन के साथ मंदिर खोलने को तैयार है, लेकिन अब इस बात का ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है कि सरकार और मंदिर प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिरों को कोरोना वायरस संक्रमण से दूर रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंदिरों के बाद अब बात मस्जिदों की। रमजान के पूरे महीने, यहां तक कि ईद के मौके पर भी मस्जिदों को नहीं खोला गया, लेकिन अब पूरी एहतियात बरतते हुए मस्जिदों को खोलने की तैयारी की जा रही है।
बहुत सारे नियम हैं, जिनमें से एक नियम ये भी है कि लोगों से वजू घर से ही करके आने की अपील की जा रही है। पश्चिम बंगाल में ये फैसला लिया गया है कि जब तक कोरोना का खौफ खत्म ना हो तब तक मस्जिदें ना खोली जाएं। दिल्ली में क्या तैयारियां हैं, जामा मस्जिद से जायजा लिया हमारी संवाददाता रूफी जैदी ने। दिल्ली का जामा मस्जिद आज खाली नजर आ रहा है, लेकिन इस मस्जिद में गर्मी के दिनों में भी जुमे के दिन 10,000 और जाड़ों में 25,000 से ज्यादा लोग नमाज के लिए पहुंचते हैं। लॉकडाउन के दौरान जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया, लेकिन अब मस्जिद को खोलने की तैयारी की जा रही है, लेकिन पूरी एहतियात के साथ। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब जामा मस्जिद के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हो गए, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को मात देनी थी। अब अनलॉक वन में जामा मस्जिद को खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है, हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। 7 तारीख को एक मीटिंग होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि जो धार्मिक स्थल हैं दिल्ली में वो खुलेंगे या नहीं। हालांकि मस्जिद की तरफ से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर इस तरह के स्टिकर्स लगाए गए हैं कि लोग नमाज पढ़ते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। इसीलिए यहाँ पर जो स्टिकर्स लगाने का काम है वो शुरू हो चुका है। साथ ही साथ ये भी तैयारी की गई है कि जो एक सफ है उसमें नमाज होगी, उसके बाद जो एक सफ होगी उसे खाली छोड़ा जाएगा और उसके बाद फिर अगली सफ में लोग खड़े होकर नमाज अदा करेंगे। मस्जिदों में सामाजिक दूरी को बरकरार रखने के लिए नियमों का पालन किया जा रहा है। आप ये पीले स्टिकर देख रहे हैं, अब मस्जिद आने वाले सभी लोगों को इन्हीं स्टिकरों के सहारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अब ये इबादतगाह दोबारा खुलने को तैयार है अनलॉक वन में और तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त हमारे साथ शाही इमाम साहब हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मस्जिद की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह का मैसेज दिया जाएगा और किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। सर, किन बातों का ख्याल रखा जाएगा जब मस्जिद एक बार दोबारा लोगों के लिए खुलेगी? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मस्जिद खुलने के बाद कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है पूरी तरह से होनी चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने ये एहतियातन ये सारी चीज़ें पहले से इंतजाम किए हैं कि जो नमाजी नमाज पढ़ने वाले हैं उनके बीच में जो फासला है कम से कम 1 मीटर का फासला ज़रूर होना चाहिए। तो उस फासले के लिए हमने मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में स्टिकर लगाए हैं, कुछ लग गए हैं, कुछ और लगने हैं। इसके अलावा एक सफ से दूसरे सफ के बीच में भी 1 से 1.5 मीटर का फासला रखा है, बल्कि 2 मीटर का फासला है, ताकि लोग दूर रहें और अगर कोरोना का कोई मरीज़ आकर इत्तेफाक से मस्जिद में नमाज अदा करता है तो दूसरा उसे मुतासिर ना हो। मंदिर में लोग एक जगह पर इकट्ठे ना हो, इसलिए एक गेट से आने और दूसरे से निकलने का प्रबंध किया जाएगा। मस्जिद में सामाजिक दूरी को बरकरार रखने के लिए स्टाफ को भी बढ़ाने की तैयारी है। इसके अलावा मस्जिद को लगातार सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मस्जिद आने वाले लोगों को भी सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की जाएगी। मस्जिद आने वाले लोगों से भी सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की जाएगी। कुल मिलाकर जामा मस्जिद में इबादत की तस्वीर बिल्कुल बदली बदली नजर आएगी। यहाँ सामाजिक दूरी के साथ लोग खुदा की इबादत करें। फिजादी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली समेत पूरे देश में गुरुद्वारों को खोलने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि अगर आप गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए आएंगे तो बहुत सारे नए नियमों से आपका सामना हो सकता है। खास तौर पर सर ढकने के लिए जो पटके आपको पहले गुरुद्वारे में रीयूज के लिए मिलते थे वो अब शायद ना मिले। कई गुरुद्वारों ने ये फैसला किया है कि आप घर से ही सर ढकने के लिए रुमाल या दुपट्टा अपने साथ लेकर आएं, ताकि आपको गुरुद्वारे में किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजेशन वाली टनल्स और सैनिटाइजर का इंतजाम जरूर किया जा रहा है, लेकिन अगर वो भी आप अपने साथ लेकर आते हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। आठ जून से देश भर के गुरुद्वारों को भी खोलने की तैयारी की जा रही है। गुरुद्वारा पटना साहिब में भी 8 जून से भक्तों के आने की उम्मीद है। प्रशासन द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद मत्था टेकने का सिलसिला यहां पर शुरू हो जाएगा। इसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गाइडलाइन के तहत व्यवस्था की जा रही है, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को रोका जा सके।
इसी कड़ी में गुरुद्वारा के प्रवेश द्वार पर एक टनल बनाई गई है जिससे संक्रमण को रोका जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे इसके लिए पूरे गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं के लिए 6 फीट की दूरी पर निशान बनाए जाएंगे जिससे बिना किसी के संपर्क में आए हुए श्रद्धालु दरबार में मत्था टेक सके। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में अभी थोड़े बहुत श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं क्योंकि ये अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी एक सैनिटाइजिंग टनल लगाई गई है जो गुरुद्वारे में आने वालों को संक्रमण मुक्त करेगी। कोरोना में दवाएं काम नहीं कर रही लेकिन कहते हैं दुआओं में असर होता है और इसीलिए बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं धार्मिक स्थलों के खुलने का। गुरुद्वारों की क्या तैयारी है दिल्ली में, हमारे साथ हरमीत सिंह कालका जी हैं, उनसे समझते हैं। सर, बहुत भीड़ रहती है खासतौर पर शनिवार रविवार को और अब तो बहुत लोग इंतजार भी कर रहे हैं, तो किस तरह की योजना आप लोगों ने बनाई? देखो, हमारे जीवन में ये पहला समय ऐसे आया कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर गुरुद्वारे मंदिर जो बंद कर दिए गए और जो अभी गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है कि 8 तारीख से इनको शुरू करने के लिए, हमारे गुरुद्वारा के जो अलग अलग गुरुद्वारा हैं हमने अलग अलग सिस्टम बनाए हैं। अभी तक प्रॉपर गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई गई कि सिर्फ उनको श्रद्धालु है उन्होंने मत्था टेक के जाना है या उनको बैठने की भी इजाज़त मिलेगी, इसलिए हमने अपनी तरफ से जो पूरी तैयारी जो हम कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम गुरुद्वारा साहब के बीच में जो टनल्स लगा रहे हैं सैनिटाइजेशन के लिए और उसके साथ में लाइनों में लगने के लिए साथ साथ में हमने हैंड सैनिटाइजर्स का भी प्रबंध किया और कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 वेज बनाए जाएं मत्था टेकने के लिए। इसके अलावा भी गुरुद्वारे में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे इसके पूरे इंतजाम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर सेवादारों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि सामाजिक दूरी बनी रहे, लाइन रोक रोक कर यहाँ पर लोगों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लोगों के थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एयरपोर्ट स्तर की तैयारी की जा रही है। देश के गुरुद्वारे भी सामाजिक दूरी के नियमों के साथ खुलने के लिए तैयार है क्योंकि नियम का पालन करके ही कोरोना को धार्मिक स्थलों से दूर रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में धार्मिक स्थलों को खोलने की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे खुलेंगे। ईश्वर और भक्त का रिश्ता तो वही रहेगा लेकिन पूजा पाठ और इबादत के तरीके जरूर बदल जाएंगे। अब आपको भीड़भाड़ में धक्का मुक्की करते हुए नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एहतियात के साथ इबादत करनी होगी। अब प्रशासन की जिम्मेदारी तो है ही, ये जिम्मेदारी साथ साथ भक्त की भी है। तो जब भी पहली बार अपनी पूजा के स्थान पर आप जाएं, तो कोरोना से मुक्ति का आशीर्वाद जरूर मांगिएगा। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.